हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के संगे। खबर सतना जिला से हवे, जहां के रमस्थान गांव के लगे भयंकर सड़क हादसा हुई। अपना को बताए दी कि बाबूपुर चौकी मावे वाले रमस्थान में ही बस और एक ट्रक में भिड़ंत हो गए, जेके बाद बस पलट गए। ये बस में ही करीब 50 से अधिक लोग सवार रहे। हम बतावा जात हवे कि घटना में 35 जने घायल भी हत, जेमा से 6 जने के हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। दूसर खबर सिगरौली जिला से हवे, जहां के शहर के अंबेडकर चौक के लगे रामलीला मैदान के बगल में ही गार्डन के मेंटेनेंस के गैरेज में ही आगी लग गई। अपना का बताई दी के तुरंत मामला में ही फायर ब्रिगेड का जानकारी दीन गए। वहां जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक 7-8 गाड़ी जल के राख हो चुकी रही। हम अपना को बताई दी के फायर ब्रिगेड घंटन मशक्कत करे के बाद आगी में काबू पाइन। आगी लागे के कारण अब तक पता नहीं चल सके। यही उधर जिला में ही दर्जनन लोगन के संगे पेटीएम से धोखाधड़ी करे वाले का मऊगंज के रहे वाले व्यापारी पकड़ लिहिन। भाई अपना को बता दी के आरोपी का पकड़ के व्यापारी पुलिस के हवाले कर दिहिन। बतावा जाता है कि कई अट्ठे दुकान संचालकन से आरोपी युवक ठगी कर चुका है। भाई वह ठगी करे वाले लड़का के नाम राहुल तिवारी बतावा जाता है, जो उनके हिंडवार के रहे वाले आही। जिला माही दरकीपुन के लोकायुक्त टीम कार्रवाई करी, जोने माही नई गढ़ी में दबिश दई के सीमांकन के बदले माही किसान से 3000 रुपया के घूस ले वाले राजस्व निरीक्षक मंडल नई गढ़ी का गिरफ्तार कर ली। नहीं भैया, अपना को बता दें कि जानकारी यह रही कि RI पंकज पाल 3000 रुपया के रिश्वत मांगे रहे, जेकर किसान लोकायुक्त से शिकायत कर दी। सीमांकन के लिए अर्जी दिया था और सीमांकन के लिए दिया था RI पटवारी साहब को, दोनों जन को, और फिर उसके बाद सीमांकन के लिए अर्जी दिए और फिर बोले कि कुछ डिमांड विमांड की बात किए और फिर मैं वहाँ से रूम से निकल आया था। फिर उसके बाद एक कोई मेरे साथ, उनका कोई दलाल है, ये लोग रहा जितने अधिकारी हैं, तो पटवारी साहब आ रहा है, कोई दलाल रखे हैं, उनसे बोले थोड़ी मुलाकात कर लो। उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, इनके पास भी इनकी रिकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद मैं जब बाहर निकला तो पटवारी साहब और RI साहब और जो बंदा दलाल था वो अंदर बात किए, उसके बाद बाहर निकल गए। फिर मेरे को डेट दिए कि 9 तारीख को आप अपना पाएगा, मतलब बहुत लंबे समय के बाद था। कितने हज़ार रुपये माफी गई थी? मांग मेरे से की गई थी पहले, वो तो दलाल 8000 बोले। फिर मैं सर से बताया, RI साहब और पटवारी साहब से बताया, तो पटवारी साहब बोले कि बहुत है, तुम 4 की व्यवस्था कर लो। RI पंकज पाल को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आवेदक प्रकाश द्विवेदी का जमीन सीमांकन का मामला अप्रैल से पेंडिंग था, इसको करने के वजह में RI द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। राशि की मांग की गई थी 4000 की, 1000 पहले ले लिए थे, अभी 3000 लेते आज रंगे हाथ को पकड़ा गया। इस रिश्वत की राशि में सर RI और पटवारी दोनों संबंधित थे या RI वाले? अब तो विवेचना का मैटर है। रीवा माही राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह काफी हाउस में बैठ के पत्रकार वार्ता के आयोजन करी। इस समय अजय प्रताप सिंह कहें के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के 8 साल पूरा होएगा है और 8 साल में जौन जौन विकास के काम कीन गे हैं ओकर घलाई जानकारी दी। आई अपना का सुनाई थे राज्यसभा सांसद का कहें। एयर स्ट्राइक का आप सभी को स्मरण है, उससे स्पष्ट संदेश है कि जो देश के दुश्मन है कहीं भी छुपे हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, हम देश की सुरक्षा संप्रभुता अस्मिता के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। हमने दुनिया के साथ एक
अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए आज दुनिया जो है हर मामले में भारत की बात सुनती है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, रूस और यूक्रेन दोनों परस्पर विरोधी देश हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारतीय छात्रों को वहाँ से निकालने की बात आई तो वहाँ पर दोनों ही देशों ने सीज फायर पर सहमति किया कि हाँ भारतीय छात्र निकल जाए, किसी दूसरे देश के लिए सुविधा नहीं दिया उन्होंने। 22,000 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वहाँ से निकाला गया। बुलेटिन की अगली खबर जिला के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से है भाई, जहाँ कियोस्क सेंटर चलावे वाले आदमी के साथ लूटपाट की गई। अपना का बताई दे के संचालक दुकान बंद करके अपने घरे लौटत रहा, तब लौवा कुठार में नहर के लगे मोटरसाइकिल में सवार तीन ठे बदमाश लूटपाट करी। अपना बताई दे के बदमाश कियोस्क सेंटर का चलावे वाले भागवत प्रसाद साहू से उनका लैपटॉप चार्जर और 1,00,000 रुपया लूट के फरार हो गए। अब आरोपी के गिरफ्तारी खातिर पुलिस साइबर के मदद ले लाही है। अपना का बताया दी कि कई अठे कियोस्क संचालक ऐसे पहले लूट के शिकार हो चुके हमा। बुलेटिन के अगली खबर मऊगंज थाना क्षेत्र से है, जहां के शराबखोरी माही उतारू आरक्षक के एक ठे वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेज वायरल हो रहा है। अपने बताया दी कि मऊगंज के बस स्टैंड माही शराब के नशा में चूर आरक्षक घंटन हंगामा मचाई। घरे से लेके आना, बर्थडे है घरे में उनका, गुरु की बर्थडे है तो नहीं गुरु है तू ले वैसे बोला आना है भैया मान ले नहीं। बाकी गलत है भैया कौन नहीं, हम जद्दू तिवारी के आदमी यहाँ है। देखा लड़का है या हमारा लड़का है ना, हमका छोड़ी ना, मगर दारू और गांजा बीड़ी सिगरेट से बहुत ठंडा पिए बेचारे बैठे ठंडा पिया। हाँ भाई आवा ना, अरे हमारे आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।